मानसरोवर वस्त्रालय। जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े, जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर, अप टू 30% डिस्काउंट। बेगूसराय जिले में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से सर्वोदय नगर में सुखदेव सभागार में जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जेपी सेनानी के बिहार के अध्यक्ष व शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म आज ही के दिन 1902 में सारण जिले के दियारा नामक गाँव में हुआ था। उनकी मृत्यु 1979 में मृत्यु हो गई। महान समाजसेवी क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण की 1932 एवं 1939 से 1943 और 1974 में जेल गए। उन्हें 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सी सम्मान और उपरांत 1998 वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। महान नेता जिन्होंने बिहार में 1974 में ऐसा क्रांति किया, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंका। जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती, उनके जेपी नाम से प्रसिद्ध थे। 1974 में जेपी आंदोलन करके जो बिहार से आंदोलन शुरू हुआ, संपूर्ण भारत में आंदोलन चला और ये भ्रष्टाचार अत्याचार इसके खिलाफ लड़े, कांग्रेस खिलाफ और गर्दी उठा दी। उसी तरह फिर अभी भारत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, खासकर पदाधिकारियों के बीच में, कि बिना पैसा के कुछ काम नहीं होता है। हमको लगता है कि फिर जयप्रकाश नारायण ऐसे आदमी एक पैदा लेना पड़ेगा और इस ढंग होगा तभी देश में भ्रष्टाचार मिटेगा। अब तो कोई काम जाइए बिना भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमारे जयप्रकाश नारायण जी 1932, 1939, 1943 में जेल गए और 1965 में उनको सम्मानित किया गया और 1998 में उनको भारत रत्न मिला। ऐसे महान समाजसेवी क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने देश में एक ऐसा भूचाल ला दिया, छात्रों के बीच में खास कर ला दिया, जो देश में संघर्ष करके अगर कोई भारत में आंदोलन शुरू होता है तो पहले बिहार से होता है और बिहार में कोई शुरू होगा तो बेगूसराय शुरू होगा। आज जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती है। हमारे बीच आदरणीय आलोक बाबू जी की 122वीं जयंती पर हम तमाम आयुवादी नमन करते हैं। अमरेंद्र कुमार सिंह, जेपी सेनानी बिहार अध्यक्ष और शिक्षक नेता, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ के जिला के संयोजक के नाते मैं हर वर्ष मनाता हूँ। कुमार अग्रवाल, नगर निगम बेगूसराय। आज हम लोग शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का 122वां जयंती मना रहे हैं। देश की आज़ादी में यह एक जयप्रकाश नारायण जी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में थे और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कई बार ये विजय किए। 1965 में समाज सेवा के चलते उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया और 1970 में इन्होंने जो सरकार थी, भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके संविधान के विरुद्ध काम करने के उपरांत उन्होंने इसे इस सरकार को पदच्युत करने के लिए आंदोलन शुरू किया और 1974 में यह आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। 1975 में गांधी मैदान में बहुत सारे युवकों को इस सरकार को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का संदेश दिया। 1999 में इन्हें मिला है भारत रत्न का उपाधि मिला है, मरणोपरांत। ये बहुत ही भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े। और आज अभी अमरेंद्र बाबू जो इसके अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये सभा हो रही है, ने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है, जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी की, कि इस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। तो हमारे बीच में बहुत सारे आदमी लोग आए हुए हैं, गणमान्य लोग हैं, और मैं पुनः
जयप्रकाश नारायण जी को सब सब बात नमन करता हूँ। इनके नाम से देखिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल नाम है। जयप्रकाश नारायण के नाम से आपको पटना का हवाई अड्डा का नाम है। उन्होंने सुना अपना सब सब नमन करते हुए मैं श्रद्धा के पूर्व अर्पित करता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी अमर रहे अमर काउंट के साथ। तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।